नमस्कार, लव पैशन फॉर फूड में आपका स्वागत है। आज हम दाल मखनी बना रहे हैं और दाल मखनी एक ऐसी डिश है कि कोई भी बर्थडे हो, गेट टुगेदर हो, कोई भी पार्टी हो, बिना दाल मखनी के डिनर पूरा नहीं होता। तो चलिए आज हम दाल मखनी बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या उसके इंग्रीडियंट्स हैं और कैसे बनाएंगे। दाल जो मैंने सोखी हुई है, राजमा, घी, बटर, लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च, कस्तूरी मेथी, चीनी, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटो प्यूरी, क्रीम। आइए हम शुरू करते हैं। और ये ऑयल भी लिया है मैंने थोड़ा सा। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि दाल मखनी बनाने से पहले भिगोनी होती है। भिगोने के लिए दाल आप जब लेंगे, ये मैंने 200 ग्राम दाल ली है, दाल जब लेंगे आप उसमें एक चम्मच नमक डालिए और थोड़े से पानी के साथ उसको ऐसे करके रगड़ के धोइए। कम से कम 3 या 4 पानी से धोइए और सारे पानी निकाल दीजिए। उसके बाद आप ये सोक करके रखेंगे दाल। लेकिन जब दाल बनाने से पहले इसको एक बार बहुत हल्के हाथ से हम इसको और धोएंगे। और जो इसका ये पानी बचा हुआ है, ये देखिए दाल काले से हरे रंग की सी होने लगी है। तो इसका जो कालापन है वो निकल गया सारा, क्योंकि दाल ये लाल रंग की सी होती है, इसलिए इसका ये सारा निकल गया कालापन। अब ये हरी सी हो गई है। अब हम इसका ये वाला पानी भी ड्रेन कर देंगे, सारा पानी निकाल देंगे हम इसको। अब हम दाल पकने के लिए रखेंगे। ये देखिए जो पानी निकाला कितना काला है अभी भी, जबकि मैंने 4 पानी से धो के इसको भिगोया था। आइए अब दाल बनने के लिए रखते हैं। ये दाल मैंने कुकर में डाली, मैंने 200 ग्राम दाल ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ 50 ग्राम राजमा, ये भी मैंने सोख करके रखी थी रात को। इसमें हम डालेंगे 1/2 पानी, जितनी दाल ली उसे डबल पानी, जिससे पूरी अच्छे से दाल पूरी डूब जाए पानी में। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं कि जिससे दाल फट जाएगी, जल्दी गल जाएगी। और अभी हम नमक नहीं डालेंगे, नमक डालने से थोड़ा सा हार्ड सा रहता है इसका छिलका, इसलिए मैं नमक अभी नहीं डालूंगी, नमक बाद में डालूंगी। ये मैंने ऑयल डाल दिया, पानी डाल दिया, अब मैं इसको विसल लगाऊंगी। और ये मीडियम गैस पे 6 विसल में आपकी दाल गल जाएगी। जब दाल गलेगी फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 6 सीटी के बाद ये देखिए दाल कितनी गल गई है, फटने लगी है दाल। अब इस वक्त हम इसमें ये मैंने गार्लिक का पानी है, गार्लिक को पीस के उसको छान लिया था, तो ये पानी है, ये 1.5 चम्मच मैंने डाला। और इसी वक्त हम इसमें नमक डालेंगे, मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसके अंदर पानी अभी और जाएगा। और ये दाल मखनी है तो अब इस वक्त हम इसमें मक्खन डालेंगे। ये मैंने 100 ग्राम मक्खन लिया है, लेकिन मैं सारा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा बचाऊंगी अभी। ये मैंने व्हाइट बटर लिया है, आप कोई भी बटर ले सकते हैं, मेरे को व्हाइट बटर अच्छा लगता है इसलिए मैंने व्हाइट बटर डाला, इससे फ्लेवर बेटर होता है। अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए पकने के लिए रखेंगे। जितनी पकेगी दाल ये उतना ही टेस्ट इसका बढ़ता जाएगा, इसलिए अब हम 1/2 घंटे इसको और पकाएंगे। और इसको मैं थोड़ा सा मैश करूंगी, ये मैंने मखानी ली हुई है, इससे थोड़ा सा इसको मैश कर देंगे तो ये अच्छे से घुट जाएगी दाल। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे 1/2 घंटे के लिए। ये देखिए 1/2 घंटे पकने के बाद दाल कितनी गाढ़ी होने शुरू हो गई है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। ये मैंने पैन में घी लिया, 1/4 कप घी है, लहसुन और अदरक पिसा हुआ लहसुन अदरक डाला 2 चम्मच, हल्का ब्राउन करेंगे, ज्यादा नहीं,
और इसमें मैंने डाली कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 चम्मच, क्योंकि तीखी भी कम होती है और इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए कलर कितना अच्छा है। और इसमें मैंने 150 ग्राम टमाटो प्यूरी डाल दी। अब हम इसको भुनेंगे। साथ में ही इसके हम इसमें 1/4 चम्मच मैंने चीनी डाली है, क्योंकि टमाटो प्यूरी कई बार बहुत खट्टी होती है, इसमें खटास ना आए इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी है। अब हम इसको भुनेंगे। एक चम्मच कसूरी मेथी, ये देखिए कितनी गाढ़ी होती जा रही है। और अब जैसे गाढ़ी होती जाए दाल में, थोड़ा इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि जितना आप पकाएंगे दाल उतनी टेस्टी बनेगी आपकी। ये देखिए कितना गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, दाल बिल्कुल गलने लगी है, एकदम बिल्कुल घुल जाएगी अभी दाल गलते गलते। ये हमारा तड़का बन रहा है इसका। इसका घी देखिए अलग होने लगा है प्यूरी से, इसका मतलब ये भून गया। एक मिनट और भून लेंगे, वैसे 5 मिनट में तैयार हो जाता है, एक मिनट और भून लेते हैं इसे। और अब हम इसको दाल है पकेगी, जिससे कि टमाटो प्यूरी मिर्ची सब इसमें जल्द हो जाएगी, सारा इसमें मिक्स अच्छे से हो जाएगी। अभी हम इसको और पकने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनट कम से कम। ये देखिए कितना अच्छा रंग आ गया है दाल का। अब इस वक्त हम इसमें वन फोर्थ कप क्रीम डालेंगे। ये जो बटर मैंने बचा के रखा था वो डाल देंगे इसमें। दाल पूरी तरह से गल चुकी है। हम इसे 10 मिनट में सर्व करेंगे, 10 मिनट इसको और पकाएंगे, बस फिर सर्व करेंगे। दाल बिल्कुल बनके तैयार है। हम इसको सर्व करने से पहले एक तड़का थोड़ा सा और डालेंगे। मैंने 1.5 चम्मच घी लिया है, 1/4 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जले नहीं बस ये ध्यान रखना, और 2 साबुत लाल मिर्च डाली, दिस इज ऑप्शनल, आपको नहीं खानी मत डालिए, पर अच्छी लगती है मुझे, मैं इसलिए डाल रही हूँ। दाल मखनी पक के तैयार है सर्व करने के लिए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए। ये देखिए कोई पतली नहीं है, बहुत थिक नहीं है। आइए सर्व करते हैं आपसे। ये क्रीम मैंने थोड़ी सी बचा के रखी थी, दाल को ऊपर डालेंगे। धनिया, अभी जो मैंने 2 लाल मिर्च भुनी थी ये मैंने ऊपर रख दी। बटर, दाल मखनी बनके तैयार है खाने के लिए, बहुत टेस्टी है, खा के देखिए मज़ा आ जाएगा।
दाल बुखारा कहते हैं ना, बहुत टेस्टी होती है, ये उसी तरीके की मैंने बनाई है। ट्राई करिए, सब लोग बहुत ही पसंद करेंगे। अगर आपको पसंद आता है मेरा चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।